सनावत में ढकल गांव सेल्दा तक चल रहे रेलवे निर्माण कार्य के दौरान सनावत के जितेंद्र राठौर का पिकअप वाहन मजदूरों को लेकर निकल रहा था, जहां पुल क्रमांक 40 पर कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। इन सभी को चोर समझते हुए उन्हें अभिरक्षा में ले लिया और रात भर उनकी पिटाई की। इस दौरान एक युवक की मौत भी हो गई। घटना की जानकारी लगते ही SDM, SDOP, TI, बड़वाल, बेड़िया, सनावत ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। SDM सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सनावत निवासी जितेंद्र राठौर का पिकअप वाहन ढकल गांव स्थित राइट्स कंपनी के रेलवे के चल रहे निर्माण कार्य के लिए, जहां कंपनी के मजदूरों ने यह समझा कि ये लोग वाहन में लोहा चोरी करने के लिए आए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने पिकअप वाहन में बैठे चार लोगों के साथ हाथापाई की। वहीं मृतक युवक के परिवार के लोगों ने बताया कि रात भर बंधक बनाकर रखा और इनकी तीन जगह पर पिटाई की गई। वहीं ज्यादा हालत बिगड़ने पर हेमंत पिता गेंदालाल राठौर 45 वर्ष की मौत हो गई। इसमें शाहरुख पिता बाबू मुंशी, ढकल गांव अजय श्रीराम मोरधड़ी एवं अन्नू खान चित्र मोड़ को इतनी बेरहमी से मारा कि सभी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने राइट्स कंपनी के चार कर्मचारियों, दो अधिकारियों को हिरासत में लिया है। SDOP मान सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले में सभी के बयान होने के बाद प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के दोस्त प्रशांत जायसवाल ने बताया कि कंपनी के द्वारा इस मामले को रफा दफा करने के लिए 3 लाख रुपए की राशि की मांग की गई, जो राशि नहीं देने के कारण उन्हें अलग अलग जगह पर बंधक बनाकर रखा गया। इसके साथ में हाथापाई भी की गई, जिसमें हेमंत की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDOP, SDM के साथ बलवाड़, सनावत और बेड़िया TI दल बल के साथ मौजूद रहे। ये अभी सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हम लोगों को जानकारी मिली कि ढकल गांव में जो NTPC के द्वारा रेलवे ट्रैक का जो काम चल रहा है, वहाँ पे सनावत निवासी श्री राठौर, जो वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं, कोई अपने लोडिंग रिक्शा लेकर के गए थे वहाँ पे, और वहाँ 4-6 लोग उनके बैठे हुए थे, और जो कंपनी वाले काम कर रहे थे उनका ऐसा कहना था कि चोरी के नियत से आए थे और सामान चोरी कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद ऐसा उनका कहना था कि हम लोगों ने अपने अभिरक्षा में रखा था, और मुझे उनके द्वारा तो नहीं लेकिन उपस्थित परिजनों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा बताया गया कि कंपनी के द्वारा लोगों के द्वारा मारपीट की गई, और जिससे वो अधमरा हो गया और अधमरे की स्थिति में वो अस्पताल में भर्ती कराए सनावत में, और उसकी डेथ हो गई।